हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज डॉस, यानी कि हमारे पास डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और इसको हम लोग किस मकसद के लिए यूज करते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे डॉस में हमारे पास डी जो है वो डिस्क के लिए स्टैंड करता है, ओ फॉर ऑपरेटिंग एंड एस फॉर सिस्टम, यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर हमारे पास जिस तरह इसके नाम से जाहिर है, ये हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी कि ये हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर की रिसोर्सेस को मैनेज करता है। और जिस तरह के आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, यानी वो बेहतर तरीके से और सही तरीके से काम करता रहे, उसके लिए बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और ये हमारे पास सिस्टम की रिसोर्सेज भी मैनेज करता है। यहाँ पर रिसोर्सेज से मुराद हमारी कोई भी कंप्यूटर की डिवाइस हो गई, यानी फॉर एग्जाम्पल हमारे पास माउस हो गया, या हमारे पास कीबोर्ड हो गया, या हमारे पास और कोई भी IO डिवाइस यानी इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गई, या मेमोरी हो गई, हार्ड डिस्क हो गई, जितनी भी ये हमारे पास कंप्यूटर की रिसोर्सेज हैं, उन तमाम को मैनेज करने के लिए हमें डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी डॉस की ज़रूरत पड़ती है। ये हमारे पास एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमें IBM ने डिज़ाइन करके दिया था। IBM हमारे पास एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे पास इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कहलाती है, और ये हमारे पास काफ़ी ही मशहूर ऑपरेटिंग सिस्टम था अप टू मिड 1990s, यानी इसके बाद अब हमारे पास काफ़ी, जिस तरह के आप लोगों को मालूम होगा, हमारे पास नए नए ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग विंडोज़ यूज़ करते हैं, विंडोज़ 10 यूज़ करते हैं, विंडोज़ 8 यूज़ करते हैं, 7 यूज़ करते हैं। ये हमारे पास तमाम जो है मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जाम्पल्स हैं। इसी के साथ हमारे पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और दीगर और हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, लेकिन इन सबसे पहले जो हमारा सबसे मशहूर और सबसे हमारा यूज़फुल ऑपरेटिंग सिस्टम था वो था डॉस, यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम आगे चलते हैं और इस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं। अगर हम लोग डॉस की प्रॉपर्टीज की बात करें, तो इसकी सबसे एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि ये हमारे पास एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था। यहाँ पे इस बात से हमारी ये मुराद है कि ये सिंगल यूजर, यानी कि एक वक्त में हमारे पास सिर्फ एक ही यूजर ऐसे कंप्यूटर को यूज कर सकता है जिसके अंदर हमारे पास डॉस का ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा हो, और यही वजह है कि डॉस को सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। यहां पर एक बात का ख्याल रखा जाए कि जिस तरह के आजकल मॉडर्न कंप्यूटर्स में हम लोग डिफरेंट प्रोफाइल्स बनाते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक होम हमारा कंप्यूटर है जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट प्रोफाइल हो सकती है। फॉर एग्जांपल जो फादर होंगे उसकी डिफरेंट प्रोफाइल होगी, जो मदर होंगी उसमें उनकी डिफरेंट प्रोफाइल होगी, और हर किसी ने अपना डिफरेंट डाटा उधर सेव किया हुआ होगा। ये हमारे पास डिफरेंट प्रोफाइल्स होती हैं। डॉस हमारे पास बिल्कुल इसी तरह मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स की तरह डिफरेंट प्रोफाइल्स की हमें इजाजत देता है, लेकिन उस कंप्यूटर को जिसको हम लोग यूज करें उसको एट अ टाइम सिंपल एक ही यूजर यूज कर सकता है। जबकि अब जो हमारे पास मॉडर्न कंप्यूटर्स आ रहे हैं वो हमारे पास मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, यानी इनको एक वक्त में एक से ज्यादा यूजर भी यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डॉस हमारे पास ये चीज हमें अलाउ नहीं करता था। और इसी के साथ हमारे पास इसकी एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, वो है नो नेटवर्किंग फीचर। यहां पर हमारे पास ये डॉस का एक नुकसान था, या हम कह सकते हैं कि एक ड्रॉबैक था, वो ये था कि ये हमें कोई भी नेटवर्किंग फीचर नहीं देता था। यानी फॉर एग्जांपल मैंने अपने ऐसा एक मेरे पास कंप्यूटर है जिस पे मैं डॉस रन कर रहा हूं, यानी जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम है मेरे पास डॉस, उसको मैं अगर किसी नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना चाहता हूं तो मैं उसको कनेक्ट नहीं कर सकूंगा। क्यों? क्योंकि डॉस हमें वो वाली फंक्शनैलिटी, वो वाली मैनेजमेंट, जिस तरह हमने बोला था कि डॉस हमारे पास मैनेजमेंट हमें देता है रिसोर्सेज की, तो ये हमारे पास नेटवर्क मैनेजमेंट हमें नहीं प्रोवाइड करता। तो चूंकि ये हमारे पास कोई नेटवर्किंग फीचर हमें प्रोवाइड नहीं करता, इसलिए हम डॉस वाले कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट आता है जो कि है थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। इस बात का यह मतलब है कि हमारा कंप्यूटर जिसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस का चल रहा था, उसके ऊपर हम लोग एक और कंपनी या किसी भी और एक्सटर्नल कंपनी का अगर एक सॉफ्टवेयर, एक कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमें नेटवर्किंग फीचर्स हमें दे दे, वो हम अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर लें, तो फिर हम अपने कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं। और डॉस जिस कंप्यूटर पे इंस्टॉल हुआ हो उस पे ये बिल्कुल पॉसिबल है कि हम कोई और थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें जो हमें नेटवर्किंग फीचर्स दे, और फिर हम अपने कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर लेते हैं।
अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि वो क्या फंक्शंस हैं जो हम लोग डॉस की मदद से हासिल करते हैं या जो डॉस हमें प्रोवाइड करता था। तो यहां पर अगर हम डॉस के फंक्शंस की बात करें तो इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है कि ये कंट्रोल करता है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को। यानी जिस तरह के आपको मालूम है कि हमारे कंप्यूटर में दीगर हमारे पास इनपुट डिवाइसेस होती हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारा माउस होता है, हमारा कीबोर्ड होता है, हमारा ड्राइंग पैड होता है, हमारा वेबकैम होता है, और इसी तरह हमारे पास काफी आउटपुट डिवाइसेस भी होती हैं, प्रिंटर्स हो गए, मॉनिटर्स हो गए, स्पीकर्स हो गए। अब इन तमाम डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए और कम्युनिकेट कराने के लिए कंप्यूटर के साथ, और इस तरह यूज करने के लिए हमारा जो भी यूजर इनसे काम लेना चाहे वो ले सके, तो इन तमाम मैनेजमेंट के कामों के लिए हम लोग यूज करते हैं अपने डॉस को। तो इसको हम लोग लिखते हैं कि ये यूज होता है कंट्रोल करने के लिए तमाम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को। यानी फॉर एग्जांपल मैंने अगर कोई भी वेब कैम लिया है और मैं चाहता हूं कि उस वेब कैम के थ्रू मैं अपनी पिक्चर ले लूं अपने कंप्यूटर से, तो ये तमाम काम करने के लिए जो हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है या जिन हमें सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स की जरूरत पड़ती हैं, ये तमाम जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स हैं ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है। और हमारे जो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है ये काम बहुत ही बेहतरी के साथ करते हैं। यानी अगर मैं कोई वेब कैम लेता हूँ तो मुझे कोई एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर उसको इंस्टॉल करना ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो तमाम रिक्वायरमेंट्स जो हैं मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ओएस, यहाँ पे मुराद हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये तमाम रिक्वायरमेंट्स हमें हमारा ओएस ही प्रोवाइड कर देता है। तो इसका पहला फंक्शन हमने देखा कि ये यूज होता है कंट्रोल करने के लिए इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को। अब आगे चलते हैं और दूसरा फंक्शन देखते हैं। दूसरा फंक्शन जो डॉस परफॉर्म करता है वो ये है कि ये एग्जीक्यूट करता है हमारे यूजर प्रोग्राम्स को। यानी फॉर एग्जांपल हमने कंप्यूटर परचेज किया और उस कंप्यूटर के अंदर हमने इंस्टॉल किया अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस। अब मैं चाहता हूं कि इस कंप्यूटर के ऊपर मैं दीगर अपने काम परफॉर्म करूं, और उन कामों को परफॉर्म करने के लिए मैं दीगर इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता हूं। अब जब भी मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता हूं तो फिर मैंने उनको रन करना होता है, यानी कि मैंने उनको एग्जीक्यूट करना होता है। रन करना और एग्जीक्यूट करना हमारे पास एक ही बात होती है। तो उनको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस की, और इसकी मदद के बगैर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद के बगैर हम लोग ये काम नहीं कर सकते। इस चीज की वजह यह है कि फॉर एग्जाम्पल हमने कोई प्रोग्राम रन किया जो हमारी कोई आईओ एक्सेस करना चाहता है। आईओ से मुराद हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइस को एक्सेस करना चाहता है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने कोई वीडियो प्ले करनी थी और उसके लिए हमने कोई वीडियो प्लेयर इंस्टॉल किया अपने पास। अब ये वीडियो हमारे पास प्ले कहां होगी? ये वीडियो हमारे पास प्ले होगी हमारे मॉनिटर पे। तो ये जो हमारे पास इस वीडियो प्लेयर जो हमारा एक सॉफ्टवेयर था इसकी, और ये जो हमारी एक आईओ डिवाइस थी यानी हमारी आउटपुट डिवाइस थी मॉनिटर, इन दोनों के दरमियान में जो कम्युनिकेशन है, जो एक लिंक एस्टेब्लिश करना है, जो इसकी कमांड्स हमारे मॉनिटर यानी हमारी, अगर फॉर एग्जांपल हम लोग एक वीडियो प्लेयर यूज कर रहे हैं और मैं कीबोर्ड से उसको स्पेस का बटन दबा के पॉज करना चाहता हूं, तो ये मेरे पास कमांड यहां वीडियो प्लेयर तक कौन लेके जाएगा? मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम यानी के डॉस। और इसी तरह वीडियो प्लेयर ने कोई वीडियो डिस्प्ले करनी है मॉनिटर पर, तो ये हमारे पास वीडियो इस वीडियो प्लेयर से मॉनिटर तक कौन लेके जाएगा? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस। तो इसी तरह हम लोगों ने कोई भी अगर प्रोग्राम रन करना हो तो उसको जरूरत पड़ती है कंप्यूटर की रिसोर्सेज की, और ये रिसोर्सेज जरूरी नहीं है कि सिर्फ आईओ हो यानी इनपुट आउटपुट हो, उसके अलावा हमारे पास मेमोरी हो सकती है, हमारे पास हमारा सीपीयू हो सकता है। इन तमाम रिसोर्सेज को जब हमारे किसी भी प्रोग्राम को जरूरत पड़ती है तो ये जरूरत पूरी करता है हमारा डॉस। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जब भी हमने कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास अवेलेबल हो, यानी डॉस या और कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास मौजूद हो। इसी के साथ देखते हैं अपने तीसरे फंक्शन को जो हमारा डॉस हमें परफॉर्म करके देता है, वो ये है कि ये मैनेज करता है हमारी सिस्टम रिसोर्सेज को। अब यहां पर पहले समझते हैं कि सिस्टम रिसोर्सेज क्या होती हैं। सिस्टम रिसोर्सेज होती हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास सीपीयू यानी कि हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो हमारे कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है जो हमारा तमाम वर्क परफॉर्म करता है। इसके अलावा हमारी मेमोरी हो गई, और मेमोरी में हमारे पास दीगर और मेमोरीज आ जाती हैं यानी हमारी रैम आ जाती है, हमारे पास रोम आ जाती है, और इसी तरह हमारे पास दीगर और मेमोरीज आ जाती हैं।
तो ये जो हमारे पास तमाम रिसोर्सेज हैं, इनको मैनेज करने के लिए भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। इस बात को यूं समझा जा सकता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास दो प्रोग्राम्स रन हो रहे थे, एक था हमारे पास P1 और एक था हमारे पास P2। अब दोनों को हमारे CPU की जरूरत है, यानी दोनों ने रन होना है और रन हमारे पास करता है हमारा CPU, तो दोनों को CPU की जरूरत है। अब पहले किसको CPU मिले, क्योंकि CPU अगर हमारे पास एक है तो फिर हमारे पास मसला बन जाएगा। तो पहले किसको CPU मिले और किसको कितनी देर के लिए मिले और बाद में किसको मिले, और ये सारे डिसीजंस हम लोग किस तरह लें, ये जो तमाम काम है, ये मैनेजमेंट के जो काम है, ये तमाम काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। और बिल्कुल इसी तरह बाकी सिस्टम रिसोर्सेज, यानी फॉर एग्जांपल मेमोरी को एक्सेस करना था इन दोनों प्रोग्राम्स ने, तो पहले कौन एक्सेस करेगा, बाद में कौन करेगा, ये तमाम जो इस तरह के डिसीजंस होते हैं, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। इसके बाद हमारे इससे पहले वाले फंक्शन यानी सिस्टम रिसोर्सेज को मैनेज जो हमने करना डिस्कस किया था, उसी से मिलता जुलता एक फंक्शन है जो कि है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट में हमारे पास, हम लोगों ने मेमोरीज को मैनेज करना होता है, यानी कि रैम हो गई, हमारे पास रोम हो गई, या हमारी सेकेंडरी मेमरी हो गई, यानी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज होगी, फॉर एग्जाम्पल हमारी हार्ड डिस्क हो गई। ये तमाम जो मेमरीज हैं, ये हमारे पास मैनेज करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। बिल्कुल जिस तरह हमने पहले अभी एक एग्जांपल में समझा था कि अगर हमारे पास मेमोरी है 10 MB रैम में, हमारी रैम की मेमोरी है 10 MB और हमारे पास दो प्रोग्राम्स हैं P1 और P2। अब दोनों को ये मेमोरी रिक्वायर्ड है, तो अब चूंकि ये मेमोरी हमारे पास लिमिटेड होती है हमेशा, यानी एक खास मिकदार से ज्यादा नहीं होती, तो अब ये डिसाइड करना कि कौन सा प्रोग्राम कितनी मेमोरी लेगा और कब लेगा और पहले कौन लेगा और बाद में कौन लेगा, ये तमाम चीजें डिसाइड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और ये तमाम डिसीजंस हमारा लेता है हमारे लिए ऑपरेटिंग सिस्टम। और इस केस में ये तमाम फंक्शनैलिटी जो है हमारा डॉस हमें परफॉर्म करके देता है, और बहुत ही खूबसूरती से यह तमाम डिसीजंस हमारा डॉस परफॉर्म करता है। अब आगे चलते हैं और डॉस के बारे में एक और काफी इंटरेस्टिंग चीज को समझते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास डॉस जो है, यूजर इंटरफेस कौन सा प्रोवाइड करता है। यहां पर यूजर इंटरफेस से मुराद वो रास्ता है जिसके जरिए से हमारा यूजर हमारे कंप्यूटर के साथ बात करता है, यानी कंप्यूटर को डिफरेंट ऑर्डर्स देता है, डिफरेंट काम करता है कंप्यूटर्स पे। तो ये हमारा जो डॉस है वो हमें प्रोवाइड करता है कमांड लाइन इंटरफेस, यानी कि CLI के थ्रू कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि कमांड लाइन इंटरफेस में हमारे पास इस तरह का एक प्रॉम्प्ट होता है ब्लैक कलर का, जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट कमांड्स लिखते हैं, और डिफरेंट कमांड्स जब हम लिखते हैं उन कमांड्स के जरिए हम अपने कंप्यूटर को डिफरेंट ऑर्डर्स देते हैं। जिस तरह के आप यहां पर देख सकते हैं हमारे पास एक कमांड टाइप हुई हुई है VER, इसी तरह एक यहां पर हमने कमांड टाइप की DIR। ये डिफरेंट हम लोग यहां पर इस तरह हमारे पास टेक्स्ट टाइप करने की एक जगह आती है जहां पर हम लोग अपनी डिफरेंट कमांड्स टाइप करते हैं और कंप्यूटर से डिफरेंट काम लेते हैं। यहां पर जिस तरह आप लोग देख सकते हैं VER लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि हमें कंप्यूटर का वर्जन बता दो। हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से कहते हैं कि हमें अपने कंप्यूटर का, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका वर्जन चाहिए, तो ये आप देख सकते हैं हमें वर्जन बता दिया जाता है। और ये तमाम कमांड्स हम लोग आगे की वीडियोस में काफी डिटेल में समझेंगे। और इसी के साथ हमारा एक तरीका होता है यूजर और कंप्यूटर के दरमियान बात करवाने का, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, जिसको हम लोग कहते हैं GUI। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट ग्राफिक्स मौजूद होती हैं, यानी डिफरेंट तस्वीरें हमारे पास मौजूद होती हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक तस्वीर है, ये हमारे पास तस्वीर है, और डिफरेंट हमारे पास तस्वीर मौजूद होती हैं जिनको हम लोग आइकन का नाम देते हैं। और इनको हम लोग यूज करके और अपनी IO डिवाइसेज, यानी माउस को यूज करके और कीबोर्ड को यूज करके अपने कंप्यूटर को डिफरेंट ऑर्डर्स देते हैं, डिफरेंट कमांड्स देते हैं। और ये तमाम काम हम लोग करते हैं ग्राफिक्स की मदद से, और यही काम हमारे पास यूज होता है हमारे तमाम के तमाम तर मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम में, फॉर एग्जाम्पल विंडोज में या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में। अब ये जो है हमारे पास दो तरीके होते हैं कंप्यूटर और यूजर के दरमियान बात करवाने के। अब हमारे पास जो डॉस है वो हमें खुद से सिर्फ CLI प्रोवाइड करता है, लेकिन हम लोग थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके GUI को भी डॉस के अंदर ला सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने देखा कि हमारे पास डॉस क्या होता है और उसकी हमने काफी डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स को समझा। थैंक यू स्टूडेंट्स।